खरसावां पथ निरीक्षण भवन में झामुमो का मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का मंच संचालन स्वास्थ्य विभाग के विधायक प्रतिनिधि और जिला के प्रवक्ता कुंवर अनूप सिंह देव ने किया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका। खरसावां विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खरसावां विधानसभा क्षेत्र के विधायक दशरथ गगराई ने सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण को झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता दिलाई। इस मिलन समारोह में झामुमो के नीति और सिद्धांत से प्रभावित होकर खरसावां के पूर्व प्रमुख सह रीडिंग पंचायत के पंचायत समिति सदस्य अमर सिंह हांसदा सहित कईयों के नेतृत्व में भाजपा आसू सहित विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रभावित होकर 500 कार्यकर्ताओं ने झामुमो में शामिल होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। खरसावां विधायक दशरथ गगराई ने कहा कि झामुमो कभी जनता से झूठ नहीं बोलती, इसलिए जनता इन पर विश्वास करती है। आज जो कार्यक्रम आयोजित की गई है किस ये को लेकर? यह आज झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड समिति के द्वारा एक सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम निरीक्षण भवन खरसावां में रखी गई थी और आज इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किए और जिस प्रकार से आज लोगों का आस्था विषम गुरु शिबू सोरेन के प्रति, राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति लोगों ने अपना आस्था व्यक्त किया है और आज का सदस्यता ग्रहण में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से बड़े सक्रिय कार्यकर्ता प्रखंड समिति के पदाधिकारी लोगों का आज झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ना एवं खरसावां विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बड़े भाई दशरथ हरदा जी को कि मंच में आके अपना विचार देंगे। मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा कि जिस तरह से 2 साल के अंतर्काल में आप सभी ने देखा होगा कोरोना जैसे वैश्विक महामारी बीमारी आई, विधायक इस क्षेत्र में रांची जैसे रिम्स अस्पताल में 6 साल बाद कोरोना जैसे वैश्विक महामारी बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उनका जो सेवा भावना है लोगों के प्रति, खरसावां विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति, वहां से दूरभाष के माध्यम से आप सभी पदाधिकारी दूरभाष के माध्यम से सूचना देकर हम लोग जनहित में सभी क्षेत्र में हम लोग जनताओं के बीच में जाकर राशन हो चाहे कच्चा राशन पक्का राशन हो शुद्ध रूप में हम लोग खा रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम में हृदय दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, साथ साथ में उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि विधान करने से पहले खरसावां विधानसभा क्षेत्र बिजली व्यवस्था यहाँ की इतनी खराब थी, ग्रामीण क्षेत्र में सभी ट्रांसफॉर्मर जले जले पड़े हुए थे, ऊर्जा विभाग से बात करके हम भी कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मर का चेंज होते जा रहा है। साथ साथ कृषि में जिस तरह से इनका योगदान ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से योगदान इनका कृषि के प्रति किसानों के प्रति है, उसके लिए भी हम क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ साथ सब राष्ट्रीय में कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसी कड़ी में आप अनुरोध करना चाहूंगा क्षेत्र के लोग